हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 41, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 41 मैं पढ़ देता हूँ एक बार। कहता है ए बी एंड सी पार्टनर है और कैपिटल 1 अप्रैल को देता है, देखो तो यानी ओपनिंग कैपिटल है 50, 25 और 25। एज पर द प्रोविजन पार्टनरशिप डीड, सी को सैलरी मिलेगा 1500 रुपये पर मंथ का और पार्टनर्स एंटायर इंटरेस्ट मिलेगा उनको 5%। प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशो कैपिटल, तो कैपिटल के रेशो में बांटा जाएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 15-16 45,000, 45,000 बट डिवाइडेड इक्वली। कहता है कि डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग इन द अबव टर्म्स। तो क्वेश्चन में हुआ क्या? अब क्वेश्चन को मैं एक बार समरी बना दूं तो देखो, पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी, कैपिटल 50-25 और इसका भी 25। कहता है सी को सैलरी मिलना चाहिए पार्टनर, और डीड में ये कहता है कि द प्रोविजन डी, डीड में पता है पीएसआर क्या है, पीएसआर डीड में क्या है, कैपिटल रेशियो, यानी क्या हो जाएगा ये 2:1:1 इसको अगर रेशियो में ले तो। लेकिन इन पार्टनर ने क्या करा, 1:1:1 में गड़बड़ी कर रखी है। और विदाउट प्रोवाइडिंग अवर प्रोविजन, अवर प्रोविजन का मतलब पता है क्या, सैलरी इंटरेस्ट ये सब इग्नोर कर दिया। और प्रॉफिट क्या था इनका, 45,000 रुपए। ठीक है जी, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट इनको मिल चुका है वापसी ले लो। प्रॉफिट वापसी किससे ले बताओ सर, पार्टनर से ले लो, बिल्कुल सही। तो प्रॉफिट था कितना इनका, इनका प्रॉफिट दे रखा है 45,000, चेक कर लीजिए एक बार फिर भी। ठीक है, 45,000 तो इक्वली बांटा है, तो इक्वली तो वापस लोगे, तो 45 है तो 15-15, भाई तुम भी दो 15, भाई तुम भी दो 15 वापसी, और 45 फर्म को वापस मिल गए। अब इनको क्या क्या मिलना चाहिए, सबसे पहले इनको मिलना चाहिए भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। कितने परसेंट मिलना चाहिए इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5%। तो 5,000 पे 5%, 2,500, 2,500 पे 1,250, और इसको मिलना चाहिए 1,250। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप। और एक सी को सिर्फ सैलरी मिलेगा 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो सी का सैलरी 1,500, तो 1,500 पर मंथ इंटू 12, 18,000। अब ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो मैं बाद में करेक्ट करूंगा। ये पर मंथ तो नहीं होना चाहिए, पर एनम होना चाहिए, पर मंथ दे रखा था 1,500 रुपये, कर दूंगा देखो 18,000 रुपये सी को। हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट हो, फिर भी मैं चेक करके कर दूंगा, अभी तो क्वेश्चन के हिसाब से ही चल रहा हूँ मैं। आगे क्या हुआ, सैलरी भी दे दिया, अब चलिए टोटलिंग करते हैं। बस इतना सा क्वेश्चन था। हाँ जी, अगर आपको समझ में आ जाए तो टेबल बनाना है और करना है बस सिंपली। चलिए अब मैं इंटरेस्ट इनको वापस अगर मैं डेबिट करूँ तो 5,000 रुपये का, तो भाई सर इंटरेस्ट डेबिट कर दीजिए और सैलरी 18,000 का डेबिट करिए। सैलरी कितने का डेबिट करना है, 18,000 का। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, चलिए। तो अगर मैं एक बार रफली कैलकुलेशन देख लूँ, 45,000 और यहाँ भी 45,000। मैं थोड़ा सा रुक पता है क्यों रहा हूँ, मेरे मुझे लग रहा है कि 18 सब चीज 2,500, 1,200 और 18,000 सैलरी तो ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैं एक बार सोच रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी सोच विचार आना चाहिए क्वेश्चन करते टाइम पे, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं तो करेक्ट कर ही दूंगा अगर मुझे लगेगा। 5,000 माइनस करेंगे और माइनस करेंगे 18,000, तो 22,000 रुपये आ गया, और ये 22,000 रुपये शुड बी प्रॉफिट गिवन है। तो बताओ अब तो सही कर रहे हो ना, तो सही किस में, इस रेशियो में होना चाहिए 2:1 में, 4:2 में 2, 11,000 रुपये क्रेडिट होना चाहिए इसका। और हाँ ठीक है, 55 क्रेडिट होना चाहिए,
और इसका क्रेडिट होना चाहिए अगेन 55, तभी तो 22 होगा। चलो अब चेक करते हैं, 15,000 माइनस 11,000, 2,500, 1,500 रुपये शायद सही प्रॉफिट आ रहा है। चलो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो, तो टोटलिंग देखते हैं, ये आ गया हमारा 15,000 और टोटल इधर का ही ज़्यादा है डेबिट का, ठीक है ना। तो डेबिट कर देना है हमें 11,13, 1,500 से। चेक करिए एक बार, क्या ए का हमारा 1,500 आ रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा है। मैं क्वेश्चन जब करता हूँ तो पूरे माइंड में लेके चलता हूँ, बिल्कुल सही 1,500 ही आ रहा है। अब तो फिर टेंशन ही नहीं है, फिर भी आगे देखते हैं। ये आ गया 15,000 डेबिट और इधर भी 15,000 आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ डेबिट में आ रहा है अगेन। अब ये थोड़ा सा मुझे बात समझ में नहीं आ रहा, 8,250 डेबिट, 8,250, हाँ जी, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। अब यहाँ तो क्रेडिट ही आएगा डेफिनेटली, तो टोटल क्या है, 1,250, 18,000 और 5,500, 24,750, और यहाँ का टोटल 24,750 माइनस में 15,000, 97,750, 97,750। तो देखो हालांकि ठीक है, वो मेरे मन में चल रहा था कि ये गलत हो सकता है, लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक है, चेक किया मैंने। तो ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल और सी का क्रेडिट, तो आंसर है ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू सीज, फॉर्मेट में करना है जी इसे, टू सीज कैपिटल, आपने तो आपने सुंदर सुंदर नोट करना है, ठीक है। 1,500, 8,250, 9,750। चलिए अब इसको भी नोट करिए, ये था आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 41 मेरे असाइनमेंट का, और फिर बोलूंगा अपनी बुक में ढूंढ सकते हैं, इसको नोट करिए जल्दी जल्दी। करिए नोट, कर लिया, ओके।